আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি ব্লকের গোরোপাড়া রেল স্টেশনে শিলিগুড়িগামী ট্রেনের স্টপেজের দাবিতে সরব হলো এলাকার বাসিন্দারা। বর্তমানে গোরোপাড়া রেল স্টেশনে একটি মাত্র ইন্টারসিটি ট্রেনের স্টপেজ রয়েছে। লকডাউনের আগে শিলিগুড়িগামী প্যাসেঞ্জার, ইন্টারসিটি ও ডেমু ট্রেনের স্টপেজ ছিল গোরোপাড়া রেল স্টেশনে। কিন্তু লকডাউনের পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যাওয়ার পরেও শুধুমাত্র একটি ট্রেনের স্টপেজই রয়েছে। বাকি ট্রেনের স্টপেজগুলিকে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে, আর এর ফলে সমস্যায় পড়েছে গোরোপাড়া ও তার আশেপাশের এলাকার বাসিন্দারা। গোরোপাড়া সংলগ্ন বেশ কয়েকটি চা বাগান রয়েছে। আতিয়াবাড়ি, রাজা ভাতখাওয়া, গাঙ্গুতিয়া এই সমস্ত এলাকার বাসিন্দাদের বিশেষ করে পড়ুয়াদের পড়তে যেতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। কেননা এলাকার পড়ুয়ারা অনেকেই আলিপুরদুয়ার, হাসিমারা, বীরপাড়া, বিন্দাগুড়ি পড়াশোনা করতে যায়, আর তাদের যাতায়াতের মাধ্যম কেবলমাত্র ট্রেন। কিন্তু বর্তমানে ট্রেনের স্টপেজ না থাকায় খুবই সমস্যায় পড়তে হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের। এছাড়া এলাকার বাসিন্দাদেরও সমস্যা হচ্ছে, তাদেরও বিভিন্ন কাজে শিলিগুড়ি যেতে হয়। বর্তমানে 15 কিলোমিটার দূরে কালচিনি স্টেশনে এসে তাদের ট্রেন ধরতে হচ্ছে। এলাকার বাসিন্দারা জানাচ্ছে, আমাদের দাবি পূর্বে যেমন এই স্টেশনে 3টি ট্রেনের স্টপেজ ছিল, সেই 3টি ট্রেনের স্টপেজ হয়ে গেলে আমাদের যাতায়াতের সমস্যা দূর হয়ে যাবে। পহলে 3 ট্রেন আতি থি, আবি সিরফ একই আতি হে, ও ভি সুবহ 5 বজে, আর ইয়াহাঁ কিরায়া ভি বহুত জ্যাদা হো গয়া, পহলে 35 থা, আব 65 হো গয়া, আর এসে হি হম লোগ স্টুডেন্ট হে, আর বস উসসে জানে পে তো হম লোগ কো 200 রুপে জেসে খরচা হো জাতা হে, ইয়েহি সমস্যা হে। पहले ट्रेन होने से क्या सुविधा होता था? पहले ट्रेन होने से ये सुविधा था कि आप जाके रिटर्न आ भी सकते थे, और अभी तो जाने के बाद आने के लिए सोचना पड़ता है, फिर बस से ज़्यादा ही किराया लग जाता है। क्या सुविधा कुछ है स्टेशन में? नहीं, स्टेशन में लाइट का भी प्रॉब्लम है, रात को लाइट भी नहीं रहता है, कुछ करने में दिक्कत होती है। पानी का एक भी नल नहीं है, शौचालय भी नहीं है, कुछ नहीं है, और जंगल इतना सारा है। आप लोग क्या चाहते हैं यहाँ पे? हम लोग चाहते हैं कल में नल उल का व्यवस्था हो जाए और लाइट रहे और ट्रेन बढ़ा दी जाए। आपका नाम? मेरा नाम अभिषेक मिश्रा। कहाँ पढ़ते हैं आप? मैं गारापड़ा में ही रहता हूँ और स्टडी मुजफ्फरपुर से किया हूँ। सवेरे 1-2-3 अप डाउन छोटो अभी तो वही इंटरसिटी 1 रुकता है सवेरे और रात को वही घूर के आता है। क्या लॉकडाउन का पहले, कोरोना का पहले? हाँ, कोरोना का पहले। उसका बाद तो कहाँ ट्रेन बंद था, उसका बाद में इंटरसिटी चल रहा है, इंटरसिटी रुकता है सवेरे वही 5:45 बजे और रात को आता है 9-10 बजे। आप लोग का क्या क्या असुविधा हो रहा है इसके चलते? असुविधा तो वही है, इधर ये इंटरसिटी, इधर ये बीरपड़ा जाने के लिए 40 रुपया का टिकट काटने पड़ता है, नगराटा 40 रुपया, पैसेंजर चलने से 10 रुपया में 20 रुपया मिला। आप लोग क्या चाहते हैं? पैसेंजर चले तो अच्छा है, जैसे पहले चल रहा था तो चले। इस साइड से 3 ठो रात को तो, मैंने आप नाम 6 ठो चलता रहा। आपका नाम? हमारा नाम राजकिशोर सर। यहाँ का बाशिंदा? हाँ, यहीं का बाशिंदा। हमारे सबसे पहले तो समस्या है ट्रेन का, क्योंकि ये 3 बगान का केंद्र है, गंगोटिया हो गया, 3-4 बगान का केंद्र, गंगोटिया हो गया, गाड़ोपाड़ा हो गया, राजा भट्टी स्टेट हो गया, आठियाबड़ी सिटी स्टेट हो गया, इन तीनों बगान का एक केंद्र बिंदु है, जबकि पहले यहाँ 3-4 गाड़ियाँ रुकती थी, ऑलमोस्ट रुकती थी। और अभी क्या हुआ है, एक तो गाड़ी एक कर दिया गया है, एक सुबह 6 बजे के आसपास है और वापसी में रात को 9 या 10 बज जाता है, कभी कभी 12-1 भी बज जाता है, ट्रेन का लेट लेते भी के चलते। तो समस्या मेन गाड़ी को लेकर ही है, खासकर यहाँ से जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको सिलीगुड़ी से कनेक्टिविटी के लिए बहुत दिक्कत हो जाता है, बस वगैरह में जाने से, प्राइवेट गाड़ी में जाने पर बहुत सारा खर्चा हो जाता है, और बगान का स्थिति जानते ही हैं, बगान के मरीज सभी तो यहाँ से मेडिकल जाते हैं, सिलीगुड़ी जाते हैं भी, खासकर जो सिलीगुड़ी मेडिकल कॉलेज में मेडिकल इलाज करा रहे हैं उनका, ठीक है। तो ये गाड़ी के संबंध से सबसे पहले तो ठीक होना चाहिए। स्टेशन का हाल भी तो बुरा है। देखिए, स्टेशन का हाल बुरा होने का कारण भी हमको लगता है गाड़ी का नहीं रुकना ही है, एक सुबह 6 बजे जब लोग जगते जगते हैं तब तक ट्रेन चली जाती है, एक आता है पता भी नहीं चलता किसी का, गाड़ी का रुकना मतलब शुरू हो जाए तो हमको लगता है स्टेशन से जुड़ा हुआ जो समस्या है, नल का, कल का या लाइट का, ये सब भी ठीक हो जाएगा।
आपका नाम? मेरा नाम कन्हैया मिश्रा।